छोटी लड़की रात के अंधेरे में किसी पराए मर्द को अपने कमरे में बुलाए तो तुम बच्चलन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे तो क्या कहोगे? भक्ति, मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, मर जाना चाहिए मुझे, मर जाना चाहिए। स्वाति बेटा, ये पहन ले साकरपुड़ा के टाइम, ये रंग तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगी। हाँ वो तो ठीक है आई, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है, और वो भक्ति भी यही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उसके बिल्कुल चिंता मत कर, अब तेरी खुशियां कोई नहीं छीनने वाला, समझी? ना वो भक्ति ना शरद। पर आई, वो शरद आएगा और उसने भक्ति के बारे में पूछा तो? तेरी आई ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, अभी भी मेरे पास तुरुप का एक पत्ता बाकी है, बस तू देखती जा आगे आगे होता क्या है। आज हम आपसे आपकी ये व्यथा और आपके नेत्रों में छलक आए अश्रु का कारण नहीं पूछेंगे देवी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका एकमात्र कारण वो परिस्थितियां हैं जिसका सामना भक्ति को पृथ्वी लोक में करना पड़ रहा है। परंतु देवी, आप एक आदि शक्ति हैं और आप ये भली भांति जानती हैं कि पृथ्वी लोक में जो भी घटना हो रही है वो केवल एकमात्र लीला है। स्वामी, भक्ति का दुख अपनी समस्त सीमाएं पार कर चुका है, उसके दुखों का अंत होना ही चाहिए। स्वामी, अवश्य होना चाहिए देवी, और होगा भी, परंतु किसका अंत किस समय होगा इसका निर्धारण तो ना तो मनुष्य के हाथ में होता है ना ही विधाता के, इसका निर्धारण केवल और केवल नियति के हाथों में होता है। किंतु स्वामी, नियति बदली भी जा सकती है, आपने तो स्वयं देखा कि किस प्रकार भक्ति ने अपने प्राण हरने का प्रयास किया, यदि उसका ये प्रयास सफल हो जाता तो क्या नियति का लिखा हुआ बदल नहीं जाता? अपने प्राण हरने का प्रयास करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है देवी, ये तो पलायनवादिता है, संकट और दुखों से मुंह छुपाकर भागने का उदाहरण है जिससे मनुष्य को कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। सो भक्ति को भी ऐसे प्रयास से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, उसे उन संकटों और दुखों का सामना करना होगा, उनसे युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी वो अपनी नियति को बदल सकती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है उसके पास। क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की, अब मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगी, मैं अभी अपर्णा से बात करती हूँ। नहीं आजी, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी, जो करना है करने दे, बस स्वाति खुश रहनी चाहिए आजी।
बेटा, मैंने तुझे पोते की तरह ही नहीं बेटी की तरह पाला है, हमेशा तेरी सहेली बनने की कोशिश की है। जब तू छोटी थी ना, तब से लेकर आज तक तूने कभी कोई बात नहीं छुपाई अपनी आजी से, लेकिन आज आज इतनी बड़ी बात हो गई। शरद ने तुझे खत लिखा, तुझे मालूम था, फिर भी तूने अपनी आजी से छुपाई इतनी बड़ी बात। तू तो मुझे गलत मत समझ आजी, मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। दरअसल मेरे पास कुछ बताने के लिए था ही नहीं, सब कुछ इतने कम समय में हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आया मेरे। हाँ जी, जब गन्नू दादा की पालकी जाने वाली थी ना, तब मैं गई। ये सच है कि मेरे मन में शरद के लिए भावनाएं हैं, पर मैंने इन भावनाओं को आज तक जाहिर नहीं की, ना शरद के सामने ना किसी और के सामने। शरद स्वाति के लिए बनाए आजी, तो फिर मैं अपने भविष्य के सपने शरद के साथ कैसे देख सकती हूँ। आजी, मैंने कभी नहीं चाहा कि शरद का झुकाव मेरी तरफ, तो बस अपने आप ही हो गया। मैंने कुछ नहीं किया जी, मैं कुछ नहीं किया। भक्ति बेटा, काका बेटा, मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अपना फर्ज ठीक तरीके से निभा नहीं पाया, नहीं काका, ना ही पहले और ना ही अब। बेटा, समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ तू है जिसे जिंदगी में कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई, जिसने हमेशा दुख ही दुख झेला। एक तरफ स्वाति है जिसे देखने न जाने कितने लड़के आए, लेकिन एक ने भी उसे पसंद नहीं किया सिवाय शरद के। जबकि स्वाति की खुशियां शरद के रूप में उसके जीवन में दस्तक दे रही हैं, लेकिन वो तेरी जिंदगी में सिर्फ एक दुख बन के रह गई। ये भगवान भी बड़ा अजीब है बेटा, न जाने कैसे दोराहे पर लाकर उसने मुझे खड़ा कर दिया। दोनों ही तरफ मेरी ही बेटियां हैं, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं बेटी, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस रिश्ते से दुखी हूं, मैं बहुत खुश हूं कि शरद और स्वाति की शादी तय हो गई।
और आपका पहला फर्श तो स्वाति की तरफ ही बनता है ना। मैं चाहती हूँ कि स्वाति खुश रहे। स्वाति तो मेरी छोटी बहन है, उसके लिए तो हंसते हंसते मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ काका। बस स्वाति खुश रहनी चाहिए। आई काय गो, ये क्या इतनी देर से लिखी जा रही है? कुछ मुझे भी तो बता। थाम गो, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ बताती हूँ। रुक, इधर इतिक। बहुत लेटर लेटर खेल रहे थे ना दोनों। हाँ ठीक, मैंने भी लेटर लिखा है। बस अब यही लेटर हमारा वो तीर बनेगा जो एक साथ दो निशाने पर लगेगा। हाँ समझी? कहाँ आई, इतनी जल्दी समझ जाती तो बात ही क्या थी? अब तू जरा खुल के बताना। मैं समझाती हूँ। अपर्णा, क्या लिखा है तूने चिट्ठी में? इससे तो भक्ति को, भक्ति का कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी स्वाति की जिंदगी जरूर बदल जाएगी। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, अगर शरद के सामने एक शब्द भी बोला ना, याद रखना तुम्हें तीन तीन लोगों का मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। मेरा, स्वाति का और तुम्हारी लाडली भतीजी भक्ति का। इसे तुम मेरी कोरी धमकी मत समझो, ये मैं करके दिखाऊंगी। मेरी बेटी की खुशियों के आगे कोई आया ना तो मैं उसकी तो ये तूने क्या किया भक्ति? यही दिन दिखाने के लिए हम जिंदा हैं? अच्छा होता कि हम मर जाते। ए देवा। क्या हुआ काकू? भक्ति घर छोड़कर चली गई। भक्ति, ये नहीं हो सकता काकू। क्यों नहीं हो सकता बेटा? हाँ हमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि पूछो मत। यही दिन दिखाने के लिए सबके सामने हमारे नाक काट कर वो भाग गए किसी के साथ। अगर किसी के साथ प्यार था तो हमें बता देती, हम उसके साथ शादी करवा देते। क्यों आए? ये लेटर छोड़ गई है हमारे नाम। Thank you.
नहीं, ये झूठ है। भक्ति ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो गलत हो। आई तो अब क्या हमारी मंगनी नहीं होगी? नहीं बेटा, क्यों नहीं होगी? अगर भक्ति घर से भाग गई है तो शरद का इसमें क्या कसूर होगा? कितनी अरमानों से इस दिन का वो इंतजार कर रहा था। ए देवा, देखो क्या हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने दिल पर पत्थर रख लेते, लेकिन शरद की खुशियों का गला नहीं घोटने देंगे। तेरी और शरद की मंगनी आज ही होगी और इसी मुहूर्त पे। हाँ शरद बेटा, तो अपने कमरे में जाकर तैयार हो जा। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। हाँ सब संभाल लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था। बस तू अपने आप को संभाल लेना। हाँ जा, जाकर तैयार हो जाओ। कैसा रहा नाटक? मेरी बच्ची। भक्ति घर छोड़कर नहीं भाग सकती, वो भी इस तरह। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास है। मैंने उसकी आंखों में जो सच्चाई देखी थी, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? मुझे उस पर पूरा यकीन है। वो यहीं कहीं आसपास है। इस घर में जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझसे छिपाया जा रहा है, और मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा, उसे ढूंढ के रहूंगा। भक्ति, 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 क्या हुआ भक्ति को? इसे सांप ने काट लिया है।